डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। कोरोना काल में एक अच्छी खबर आई है। कनाडा की कंपनी सैनिटाइज ने दावा किया है कि उन्होंने नाक से डालने वाला ऐसा स्प्रे बनाया है जो 99.99% कोरोना वायरस को खत्म कर देगा। इतना ही नहीं, सैनिटाइज की संस्थापक गिली ने दावा किया है, भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में सिर्फ वैक्सीनेशन से मदद नहीं मिलेगी, वहाँ पर ऐसे नेजल स्प्रे की जरूरत भी होगी। हमारा नेजल स्प्रे यूके, अमेरिका, कनाडा, इजराइल और न्यूजीलैंड में क्लिनिकल ट्रायल्स में सफल रहा है। हम जल्द ही इसे भारत में लॉन्च करने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। सैनिटाइज ने कहा है कि उनका नाक में डालने वाला स्प्रे हवा में ही कोरोना वायरस को खत्म करना शुरू कर देता है। इसके अलावा नाक के रास्ते वो फेफड़े तक को साफ कर देता है। जिन लोगों ने स्प्रे ट्रायल्स में हिस्सा लिया उनके शरीर में 24 घंटे के भीतर ही वायरस की संख्या में 95% की कमी दिखती है। अगले 72 घंटे में ये बढ़कर 99% हो जाएगी। ब्रिटेन में हुए ट्रायल्स के प्रमुख जांचकर्ता डॉक्टर स्टीफन ने बताया है कि कोरोना के संघर्ष के दौरान ये आंदोलनकारी दवा साबित होगी, क्योंकि दुनिया भर में नाक से डालने वाली दवाओं पर रिसर्च चल रहा है, इसके ट्रायल्स भी हो रहे हैं। भारत में भारत बायोटेक भी अपने नेजल स्प्रे कोरोफ्लू को लेकर काम कर रही है। सैनिटाइज के रिजल्ट जर्नल ऑफ इन्फेक्शन में प्रकाशित हो चुके हैं। गिली ने एक अखबार में बातचीत में दावा किया है कि ये नेजल स्प्रे नाइट्रेट ऑक्साइड से बना है। ये रसायन हमारे शरीर में पहले से मौजूद है, इसलिए जब ये शरीर में नाक के जरिए डाला जाता है तब शरीर इससे रिएक्ट नहीं करती। शरीर का इम्यून सिस्टम इसे पहचानता है, इसलिए उसे आसानी से एक्सेप्ट करता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आपको बता दें कि नाइट्रेट ऑक्साइड शरीर में किसी तरह के वायरस या बैक्टीरिया को विकसित होने से रोकता है। नाक में इसे डालते ही ये शरीर के एंट्री गेट पर ही बैरिकेटिंग कर देता है, जिससे पार करके कोरोना वायरस का जाना मुश्किल हो जाता है। नाक में नेजल स्प्रे की वजह से लगाए गए मेडिकल बैरियर से वायरस घुस नहीं पाता। दूसरा, शरीर में जा चुके नाइट्रेट ऑक्साइड की वजह से कोशिकाओं में वायरस की एंट्री बंद हो जाती है, यानी कोरोना वायरस पर दो तरफा हमला होता है, एक तो एंट्री गेट पर और दूसरा शरीर के अंदर। इसके बाद अगले 72 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति 99.99% ठीक हो चुका होता है। गिली ने बताया है कि फिलहाल हम भारत में इसे लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। हम किसी क्षमतावान दवा कंपनी यानी पार्टनर की खोज में हैं। भारत की कई कंपनियों ने इस प्रोजेक्ट में रुचि दिखाई है। कुछ बड़ी दवा कंपनियों के साथ हमारी बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। जैसे ही पार्टनर मिलता है हम भारत की सरकार से नेजल स्प्रे लॉन्च करने की अनुमति मांगेंगे। हम दवा भारत पहुंचा देंगे, उसके बाद उसके उत्पादन और डिलीवरी की जिम्मेदारी भारत की दवा कंपनी की होगी। गिली ने बताया कि भारत में दवाओं पर निगरानी रखने वाली सर्वोच्च संस्था हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स की रिपोर्ट को देखेगा, दवा की जांच करेगा, उसके बाद ये तय करेगा कि इसे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लेना चाहिए या सरकार के निर्देश के अनुसार। लेकिन इसका फैसला भारत सरकार की सर्वोच्च मेडिकल संस्था ही लेगी। इसकी कीमत फिलहाल तय नहीं है, लेकिन कोशिश रहेगी कि कीमत इतनी हो कि हर व्यक्ति इसे आसानी से खरीद सके। गिली ने बताया कि नेजल स्प्रे का उपयोग संक्रमण से पहले, संक्रमण के दौरान और संक्रमण के बाद भी किया जा सकता है। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसका रसायन यानी नाइट्रेट ऑक्साइड पहले से ही शरीर के हर कोन में मौजूद है। इसके उपयोग के बारे में बताया जा रहा है कि दिन में एक या दो बार इसे किया जा सकता है। जो इलाजरत हैं वो 4-5 बार इसका एक दिन में उपयोग कर सकते हैं। गंभीर रूप से कोरोना संक्रमित लोगों के लिए डॉक्टर तय करेंगे कि इसका उपयोग करना है या नहीं। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक कोरोफ्लू नाम का नेजल ड्रॉप भी विकसित कर रहा है। कोरोना वायरस के इलाज के लिए बनाई जा रही ये ड्रॉप संक्रमित इंसान के नाक में डाली जाएगी। कोरोफ्लू 1 ड्रॉप COVID-19 नेजल वैक्सीन है। कंपनी का दावा है कि ये वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित होगा, क्योंकि इससे पहले भी फ्लू के लिए बनाई गई दवाइयां सुरक्षित थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।